एक बार सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप। ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे टेक्नो का फोन हमारे पास है, कस्टमर स्टूडेंट का ही है, टेक्नो एयर कैमोन एयर बोल के है, 12 एयर बोल के मॉडल है। ये एक ऑटो पोर्ट बना रहा है ना, फोन लगाते ही क्या है, एक डेड है लेकिन ये ऑटो पोर्ट बना रहा है। और इसका यूएमटी के अंदर रीड इन्फॉर्मेशन भी हमने लिए, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन भी शो कर रहा है, बट फोन ऑन नहीं हो रहा। तो अब इसके अंदर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। पहले तो क्या देखेंगे हम इसके अंदर, फ्लैशिंग करेंगे। भाई फ्लैशिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या इम्यूनसी से रिलेटेड इशू, तो हम डायरेक्ट इम्यूनसी निकालेंगे क्या? अगर सॉफ्टवेयर का भी इशू रहेगा तो क्या डायरेक्ट इम्यूनसी निकाल तो नहीं सकते ना। तो एक स्टेप है, पहला स्टेप हमारा फ्लैशिंग होना चाहिए। अब फ्लैशिंग में अगर कोई इरर आता है तो वो इरर के हिसाब से आप लोगों को सारे नोट्स लिखे हैं कि क्या इरर में अगर फंसा तो वो हमें पता चलेगा कि इम्यूनसी के अंदर हेल्थ का प्रॉब्लम है या नॉट कनेक्टेड है या इम्यूनसी डेड है, ये सारे रीजन आप लोगों ने लिखे है ना। तो हम उसी के अंदर देखेंगे कहीं इरर आ रहा है या फ्लैशिंग हो रहा है। अगर फ्लैशिंग होने के बाद भी सेम कंडीशन में डेड है तो इसका मतलब वो फेक फ्लैशिंग हो चुका है और ईएमएमसी की वजह से, हेल्थ की वजह से वो फ्लैशिंग नहीं हो रहा है। तो जब ईएमसी हम रिमूव करें तो पहले स्टार्टिंग देखते हैं। तो ये मीडियाटेक का चिपसेट है, हम इसको पहले एक बार देखेंगे चार्जिंग लगा के ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये फोन डेड है या चालू है? डेड है। ठीक है, अगर ये चार्जिंग लोगो या फर्स्ट लोगो पे है या पोर्ट भी बना रहा है, ठीक है, तो हमारा हमेशा पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए। डायरेक्ट ईएमसी तो हम रिमूव नहीं कर सकते। एक बार ऑन करके देखते हैं, देखेंगे। तो ये जैसे कि चार्जिंग लोगो पे अटक रहा है और आगे जा नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक बार फ्लैश करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी फाइल एक्सट्रैक्ट डेस्कटॉप पे या अगर आप जहाँ पे भी डाउनलोड किए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं KC3H627G, ये हमारे पास इसकी फाइल एक्सट्रैक्ट करके रखा है, जो कि मीडियाटेक का MT67 और 65 का CPU वर्जन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, SP टूल जो कि लेटेस्ट वर्जन है उसको हम ओपन करेंगे, है ना। सबसे पहले ये SP टूल ओपन कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, बोलो, स्कैटर फाइल को लोड करेंगे। तो आप डेस्कटॉप पे हैं तो डेस्कटॉप पे रख सकते हैं या फिर अगर आपने डाउनलोड में है तो डाउनलोड से ही हम यहाँ पे फाइल को लोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे एंड्रॉइड स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर, यहाँ पे फाइल लोड हो रही है। तो फाइल यहाँ पे क्या हो गई हमारी, लोड हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायरेक्ट फोन को कनेक्ट करके फ्लैशिंग करना है या उससे पहले कुछ और प्रोसेस करना है? और प्रोसेस कौन सा है? बाईपास। वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा? बाईपास। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट लगा लूँ तो यहाँ पे और एरर आ जाएगा, MTK और बाईपास करने के लिए बोलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MTK बाईपास टूल ओपन करके पहले उसका CPU को बाईपास कर लेंगे हम, और बाईपास। उसके बाद हम टूल पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो टूल ओपन होने देंगे, जैसे कि ये टूल हो चुका है, MTK बाईपास टूल ओपन हो गया। अब यहाँ पे कोई मॉडल हमें सिलेक्ट तो करना नहीं है, डायरेक्ट हम बाईपास पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों की दबा के हम यहाँ पे केबल को इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे बाईपास हो चुका है। तो फोन को साइड में रख लेते हैं, हमारा काम खत्म। यहाँ पे हमने CPU को बाईपास कर लिया और बाईपास कर लिया है। अब ये टूल को क्या कट करना है, मिनिमाइज करना है। अगर कट कर लिया तो बाईपास भी हट जाता है, तो हमारा फ्लैशिंग जब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ये टूल को हमको सामने ही रखना है ना। तो यहाँ पे मिनिमाइज करके रख लेंगे। अब उसके बाद SP टूल ओपन करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। देखो अब यहाँ पे कुछ एक एरर आया,
इधर देखिए क्या लिखा है, स्टेटस स्टोर लाइक एग्जॉस्ट, और ये इरर मैं आपको लिखा चुका हूं, स्टोरेज लाइन एग्जॉस्ट के अंदर आपने ये इरर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार देख सकते हैं आप, देखो ईएमसी डेड नहीं है, याद रखिए चीप इंफॉर्मेशन आ रही है, इसका मतलब ईएमसी लगी है इसमें, अगर ईएमसी नहीं लगी होती तो ये आपका रेट फर्स्ट वाले पे स्टक होता और यह इंफॉर्मेशन नहीं आता, तो ये आपका ईएमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम में है पड़ा हुआ, लाइट एग्जॉस्ट का मतलब ये है ईएमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात। अब इसका ईएमएमसी निकालना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में तो नहीं हो रहा है ऑन, ये लोगों पे पड़ा हुआ फोन है तो लोगों पे पहले तो फ्लैशिंग से करते हम देखते हैं, नहीं हुआ तो लास्ट में ईएमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम से निकले, समझ में आ रही बात। चलो अब यहाँ पे पता तो चलिए हमें कि ये इसका प्रॉब्लम क्या है, ईएमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम, चलो उसकी ईएमएमसी निकालते हैं लाइव, तो यहाँ पे आप कोई भी आ सकता है, अगर जिसको निकालना है या खुद से बनाना चाह रहा है तो वो आके यहाँ से काम कर सकता है, कोई है आप कर सकते हैं, आइए यहाँ पे रिपेयर करिए, आप कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे लाइव हम रिपेयर करवाएंगे, ईएमएमसी स्टूडेंट से ही करवाएंगे और प्रोग्रामिंग भी उनसे करवाएंगे, ठीक है। इसको फोन को पहले खोल के ईएमएमसी बाहर बताइए, पहले ब्रांड बताइए कौन सी ईएमएमसी ब्रांड इसमें लगी है, और आप लोगों को आज बताया मैंने कौन सी ईएमएमसी ब्रांड हेल्थ रिपेयर होती है कौन सी नहीं होती है, पहले तो आपको वो चेक करना है, और एसके एनिक्स अगर दिखी तो क्या होता है भाई, हो सकते खुश होती है, पहले तो खुशी लगती है कि एसके एनिक्स लगी है ना, तो देखेंगे कौन सी लगी है इसके अंदर, तो ये फोन किनका है भाई, स्टूडेंट का ही है ना, स्टूडेंट, चलो ठीक है, तो स्टूडेंट से ही काम करवाएंगे हम ये काम, है ना। अच्छा आप कहाँ से, ये बताइए पहले, थोड़ा जोर से बताइए जरा, यहाँ पे क्या नाम, कर्नाटक से, कर्नाटक से, क्या नाम है आपका, मितेश, मितेश, ठीक है, तो ये ईएमएमसी का कभी पहले करे कहाँ, तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे आप, तो आप आज एक ईएमएमसी रिप्रोग्रामिंग हेल्थ रिपेयर कैसे होता है ये तो देख लिए ना, तो आप कॉन्फिडेंस है करने के लिए, वो अगर मैं फिर से दूँ आपको ये काम करके ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ना, जब तक अगर खुद से नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा क्या, तो एक बार देखेंगे क्या इसमें इशू है, स्क्रू निकाल दिए सभी, ठीक है, सिम ट्रे नहीं है ना, है ना स्क्रू, हाँ वही तो बता रहा हूँ, कैमरे निकालेंगे इसके पहले खुद साइड में लगा, कैमरे रख लो, अब यहाँ पे देखेंगे ये शील्ड के अंदर इसका ईएमएमसी इसी में लगा हुआ है, ठीक है, पूरा शील्ड निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा शील्ड है, इसके ऊपर कोई पतरा नहीं है जैसे कि इजी निकलता ना, हाँ सर वैसे तो नहीं है, पूरा ही निकालना पड़ेगा,
करो उसमें तो यहाँ पे जैसे कि शील्ड आराम आराम से हमें निकालना है तो वैसे भी इसके अंदर एसके हाइनिक्स का एमएनसी दिख गया है क्या है इसमें एसके हाइनिक्स यार कुछ हो जा रहा है लग बटन बोर्ड कुछ ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग कौन सा एमएनसी लगा हुआ है इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकता है यहाँ पे तो ये जो आ रहा था एग्जॉस्ट लिख के आ रहा था लाइफ एग्जॉस्ट जो कि एमएनसी की लाइफ इसकी क्या हो चुकी है खत्म हो चुकी है यहाँ पे बता रहा है ना अब ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसका एक्चुअली सही में इसका हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है मतलब ये हीरर सही बता रहा है या गलत बता रहा है तो यहाँ पे ये एमएनसी पे तो डाउट मुझे आ चुका है क्योंकि इसका एसके हाइनिक्स लगा हुआ है अब ये एसके हाइनिक्स को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो अब यहाँ पे लाइव यहाँ पे एमएनसी निकालेंगे स्टूडेंट से ही और चेक भी करेंगे हम पहले उसको बोर्ड फिक्स करने दो उसके बाद क्लियर करेंगे ठीक है नॉन टेस्टेड है तो इजीली निकालेंगे हम उसको कभी कंपनी के जो बॉल्स होते हैं थोड़ा सा हार्ड रहते हैं निकलने में थोड़ा टाइम भी लेता है ठीक है थोड़ा अच्छा
अब इसको क्लीन करेंगे और रिवॉल्व करेंगे। आप स्वेटर वगैरह रखिए, स्वेटर निकाल के दीजिए, स्वेटर भी दीजिए। वाकई में गया है तो हम रिपेयर करना है। चालू तो हो गया है बेसमेंट और वो अननोन बता रहा है, एक बार यूएसबी से फ्लैशिंग कर ली, ठीक है। आप अंदर देख के करिए माइक्रोस्कोप में, स्टेंसिल दिए उनको PPD अप्लाई। हाँ ठीक है, आराम से सर लेटे बैठे में। थोड़ा नीचे लो, नीचे लो MMC। हाँ
यूपल में लगाएंगे हम यहाँ पे मिंसी को, ठीक है। ठीक है, ओके, अच्छी है। इधर लगाइए इसमें यूपल में, तो आपको यहाँ पे कर यहाँ पे योपाई का टूल ओपन करिए और बताइए क्या प्रॉब्लम एमएमसी के अंदर है। चेक कर रहे हैं ना भाई, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम शो करता है, तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट, हाँ करीब डायरेक्ट ईएमएमसी आइडेंटिफाई पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ चेक करेंगे हम ईएमएमसी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर मिलता है, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी डिटेक्ट हो रहा है, वेट करेंगे, पूरा डिटेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ डिटेक हो रही है और आगे देखेंगे, एन्क्रिप्टेड आ रहा है। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई और यहाँ पे क्या एरर है? मिला ईएमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये निकालने से पहले भी हम देख सकते थे, ईएमएमसी निकाल के भी निकालने की जरूरत थी क्या? अगर मुझे ईएमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम पता नहीं है तो मैं बिना ईएमएमसी निकाले भी एरर के हिसाब से पहचान सकता हूँ। और जैसे कि फ्लैशिंग में जो एरर आया था उससे हमने 100% डाउट किए थे क्या प्रॉब्लम था, और यहाँ पे क्या निकला? इसके वजह से हमारा फ्लैशिंग नहीं हो रहा या फिर एक तो लोगों पे स्टकअप हो गया। अब इसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो दो तरीके है, एक हाफ डंप है, एक फुल डंप है। अब इसके मेरे पास अगर इसकी फ्लैश फाइल नहीं होती तो मैं इसको कैसे डंप रीड करता? फुल एक्सक्लूड डंप है ना। अब मेरे पास फ्लैश फाइल है तो मैं इसको हाफ डंप, पहले तो एक बार देखेंगे फुल डंप रीड करने में स्पीड कितनी ले रही है। अगर ये रीड अगर स्पीड से हो रहा है, देखो क्योंकि क्या है एमएलसी और एसएलसी देखो ज्यादा यूज नहीं हुई है, 20-30% ही है, मतलब 50-60% नहीं है। हो सकता है इसके अंदर स्पीड ले रीड करने में क्या आई है, तो एक बार यहाँ से फुल डंप एक्सक्लूड डंप कैसे रीड करना है जरा बताइए। तो सबसे पहले कहां जाएंगे एक्सक्लूड, अगर डंप रीड करना है कहां जाएंगे हम? हाँ जी ऑटो पे जाएंगे, ऑटो पे, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लूड डंप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं 512 का ले लेंगे, चलो 512 का ले लो, चलो रीड करो। अब इसको हम फ्लैशिंग से करेंगे काम, 512 का डंप रीड कर लेंगे और इसके बाद हम इसको फ्लैशिंग से फ्लैश करके ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये हेल्थ की वजह से थोड़ा सा रीड होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगने देंगे। इसके बाद ये डंप रीड होगा 4 फाइल में, है ना। तो कौन सी फाइल रीड करेगा? EXCSD, यूजर एरिया, बूट 1 और बूट 2।
तो यहाँ देखिए कुछ एरर आ रहा है रीड करने, आपको इस तरह से भी प्रॉब्लम देखने मिलेगा कि आप डम्ब रीड कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है, ठीक है, रीड नहीं हो पा रहा। इस कंडीशन में आपको क्लॉक स्पीड कम करनी है, अभी तो ऑटो पे था, ठीक है, तो ये रीड करने में प्रॉब्लम आया, तो क्लॉक स्पीड कितना रखना है, ठीक है, 12 मेगाहर्ट्ज़ रखिए। अब वापस से रीड पे क्लिक करिए नीचे, अब देखेंगे अगर इसमें भी अगर रीड करने में एरर आता है तब हम इसको यस सर, ठीक है, उसके बाद हम और भी इसको मैनुअल सेटिंग करके देखेंगे। यस सर, तो ये क्या हो रहा है, अब रीड हो रहा है, पहले ऑटो पे था तो क्या हो रहा था, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने मिलेंगे। रीड होने में भी इधर आएगा तो आप क्या करोगे, क्या नहीं करना है, तो उस कंडीशन में चेंज करना आपको क्लॉक स्पीड। अब यहाँ देखो स्पीड तो वैसे भी 8 एमबीपीएस से हो रहा है, अच्छी स्पीड से हो रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में आप एक्सक्लूडम भी रीड कर सकते हैं लेकिन वहां शो नहीं कर रहा है, तो काम तो हम आगे हम कर भी सकते हैं, 512 लेके भी काम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको रीड होने देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका फैक्ट्री रिसेट करेंगे, हेल्थ रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर राइटिंग वाला प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे कि ये फ्रेशर स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रोसेस, ठीक है, इससे पहले कभी देखे अभी चीज, कभी फ्लैशिंग भी किए यूजर से, तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे ना, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी ये समझ में आ रहा है जो आज बताया कैसे रिपेयर करना है, वेरी गुड, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं हमारा डम्ब रीड हो रहा है 512 का, सर ये 512 यूजर डाटा, चलो ठीक है, ये हमारा रीड हो चुका है। अब नेक्स्ट आइडेंटिफाई करिए फिर से, तो यहाँ पे देखिए अब ये 512 में हमारा डम्ब फाइल बन गया, ठीक है, आईएमएन नंबर भी आ गया इसमें, फिर भी हम एक काम करेंगे अलग से सिक्योरिटी फाइल को भी रीड करके रखेंगे, मतलब डंप के अंदर तो है ही है लेकिन जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि डंप के अंदर डालने के बाद भी आईएमए नंबर शो नहीं करता, तो हम अलग से फाइल रीड करके रखेंगे, तो सिंगल फाइल जो आईएमए की है, पिंक कलर फाइल बताया ना आपको, ये आपको रीड करके रखना, तो उसके लिए कहां जाएंगे आप, कौन से इसमें जाना, यूजर एरिया पार्ट में, ठीक है, यूजर एरिया पार्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते जितने भी पिंक कलर के है वो सभी को क्या करना है, सबको टिक लगाना, वेरी गुड, तो लगाइए एक एक करके सब पे, पहला नंबर ऊपर से स्टार्ट करिए, एंड में मैम पिंक कलर दिख रहे, सब पे एक एक करके टिक लगाना है, एक और उसके बाद दूसरा परसेस्ट, नीचे आइए, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पिंक कलर को रीड, रुको यहाँ पे सब पे टिक लगाई है, हाँ ऊपर से भी देखो, स्टार्टिंग से देखना आपको एनवीराम, पहले नंबर पे एनवीराम है, इसको टिक लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद परसिस को भी टिक लगा दिए, प्रो इन्फो को टिक लगा लिए और यहाँ पे एफआरपी एनवी डाटा सबको टिक लगा दिए, लेकिन इसमें मीडिया टेक के अंदर प्रोटेक्ट वन और प्रोटेक्ट टू को देखो पिंक कलर नहीं दिया, जबकि ये आईमे वन और आईमे टू की फाइल है, तो ये एक बग है इसके अंदर, अगर ये इजी अटैक से देखेंगे तो वो उसमें पिंक कलर दिखाएगा, तो ये इसमें नहीं दिखाता, इसका मतलब हमें क्या इसको रीड करना है, नहीं करना है, करना है, याद रखिए, ये यो फाइल तो नहीं बताता लेकिन हमें इसको प्रोटेक्ट वन और प्रोटेक्ट टू को भी टिक लगाना है, अब रीड करना है, रीड करिए इसको, तो ये रीड उसी में होगा जहां पे हमारा 512 का डम्ब रीड हुआ था, यहाँ पे ये रीड हो रहा है उसी फोल्डर में चले जाएगा, ठीक है, तो अभी एक एक करके सारे फाइल रीड हो रहे हैं, ठीक है, ये हो चुके हैं पूरा रीड है ना, अब ये अगर मुझे चेक करना है कहाँ जाना है तो कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इसमें भी हम क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट वन क्लिक में भी जा सकते हैं, या फिर अंदर यूपीआई के अंदर जाके सी ड्राइव में जाके वहां पे हम उसका फोल्डर में जाके भी चेक कर सकते हैं, तो एक बार क्लिक करिए इस पर, ठीक है, हो जाता है, पीछे ओपन हो गया फोल्डर, आप देख सकते हैं पीछे आपका फोल्डर ओपन हो गया है, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी फाइलें है अभी जो रीड हुई, ये आईएमए वाली फाइल से, ठीक है, अगर इसके बैक आएंगे तो आपको मिलेगा इसका डम्ब, देखो यहाँ पे ये इसका पूरा डम्ब फाइल है और यूजर पार्ट में इसका सिक्योरिटी फाइल,
ये तो रीड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पहला प्रोसेस तो बैकअप का था, अब इसको इरेज करना है। इरेज करने के बाद फिर इसका हेल्थ का जो इश्यू आ रहा है इसको भी क्लियर करना है, तो इरेज करिए एमएमसी को। तो इरेज करने के लिए प्रोग्राम में आना पड़ेगा, अभी हम यूजर एरिया पार्ट में, तो आपको प्रोग्राम में आना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। उसके बाद ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज कहाँ लिखा हुआ है, ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज पूरा, तो वहां से पहले हमको क्या करना है आप भी बताइए जरा, आप भी यहाँ पे जो है स्टूडेंट को हेल्प करना है तो आप भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या चुका है, इसके बाद एक बार आइडेंटिफाई करिए, तो इसके अंदर क्या चला गया, सॉफ्टवेयर फाइल चला गया, मतलब आई में भी क्या है चला गया। इसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम जाता है क्या फैक्ट्री सेट में, नहीं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टीशन इज पॉसिबल, मतलब इसके अंदर एक बार रिपेयर करने के लिए पॉसिबल है। अब इसका हेल्थ रिपेयर करने के लिए कहाँ जाना है, जो ब्रांड एंड जो ब्रांड लिखा हुआ है इसके ऊपर ईएमएमसी पार्टीशनिंग में जाना है, कहाँ जाएंगे हमें, और इसके बाद यहाँ पे करना क्या, सारे बॉक्स को चेक लगाना है। तो सारे बॉक्स इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, मेन कौन सा है, हाँ तो ये सब आपको पता है मेन चीज कौन सी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एक आदत बनानी है सभी को, टिक लगा दो, चलो राइट करिए एक बार, वेरी गुड। इनका भी ये भी आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डन हो चुका है। चलो एक बार प्रोग्रामिंग में आके आइडेंटिफाई करिए एजेंसी को, ठीक है। अब उसके बाद आइडेंटिफाई करिए एजेंसी को, तो क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे अभी डिवाइस पार्टीशनिंग, और यहाँ पे जो आ रहा था एरर हेल्थ का, अब आ रहा है क्या, एक बार हेल्थ रिपोर्ट चेक करिए, इसका जो अर्जेंट लिख के आ रहा था नॉर्मल लिख के आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार देखेंगे। तो डिवाइस लाइफटाइम क्या लिख के आ रहा है, नॉर्मल हो चुका है। अब ये सेकेंड टाइम प्रॉब्लम आएगा तो ये रिपेयर होगा क्या, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चेंज है ना, वेरी गुड। चलो आइडेंटिफाई करिए एक बार, अब उसका डंप क्या करना है मुझे वापस राइट करना है। तो दो तरीके से, एक आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या आप वन क्लिक में टेक्नो में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं ब्रांड वाइज, तो आप ब्रांड वाइज सिलेक्ट करिए टेक्नो में जाके, हाँ उसी पे क्लिक करिए, हाँ बहुत वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन क्लिक में चारों फाइल ऑटोमेटिक लोड हो गए, और एक्स्ट्रा इसमें प्लस पॉइंट ये भी देखो, इसके अंदर आपको कॉम्पेटिबल लिस्ट आ गई ईएमएमसी की। आप अगर ईएमएमसी चेंज करना चाह रहे इसके अंदर टेक्नो के अंदर मीडियाटेक में, तो फाइल डालने से भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 8 ईएमएमसी के नंबर यहाँ पे आपको शो कर दिया, तो आप इसके जरिए से भी देख सकते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा उसके जरिए से भी देख सकते हैं। और एक तीसरा तरीका है, आपको तीन तीन जगह से ईएमएमसी कॉम्पेटिबल कौन सी लेना है ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये एक बार देख सकते हैं अब यहाँ से है ना, अब इसको राइट करना है, इरेज नहीं करना, चलो इसके बाद कर दो राइट। अब ये 512 का जो हमने डंप रीड किए थे, अब वो क्या कर रहे हैं हम राइट, तो 512 में फोन ऑन होगा क्या, नहीं। इसके बाद क्या करना है, फ्लैशिंग करना मास्टर, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं या यूएसबी से भी फ्लैशिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से ही कर लेंगे एक ही बार में। राइट हो रहा है, ठीक है। तो अभी एकदम इजी लग रहा है ये सब प्रोसेस, yes, sir. Yes, sir. सभी कर सकते हैं क्या, yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं। सर प्रोटेक्ट वन और प्रोटेक्ट टू फाइल नहीं है, प्रोटेक्ट वन और प्रोटेक्ट टू फाइल अभी तो नहीं डालेंगे, अभी तो ये डंप के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। अगर आपका लास्ट में अगर ईएमसी के जब ऑन करने के बाद आई में शो नहीं करेगा, तो हम वो ईएमसी के अंदर वो फाइल डाल सकते हैं जो हमने सिंगल सिंगल रीड किए, वो हम यूएसबी से भी डाल सकते हैं, यूएमटी के जरिए से भी डाल सकते हैं, अलमारपुर के भी जरिए से डाल सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो यहाँ पे ये क्या हो गया 512, चलो एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए।
तो ये 512 का डंप राइट हो चुका है। अब क्या करना है? चेक करना। अब फ्लैशिंग करना है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? तो फ्लैश करने के लिए कौन सा टैब में जाना पड़ेगा? बैटरी में। वेरी गुड। इसके बाद मीडिया टेक का है, ये प्लेटफॉर्म में क्या लेंगे आप? मीडिया टेक आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है? मीडिया टेक है। अब इसके अंदर कौन सी फाइल लगेगी? स्कैटर फाइल। तो फ्लैश फाइल, हमारी पहले फ्लैश फाइल ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी जो फ्लैश फाइल है टेक्नो KC3, तो ये अब इसके अंदर की जो स्कैटर फाइल हमें उसको उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फ्लैशिंग करने के लिए। तो इसमें कौन सी फाइल डालेंगे? एंड्रॉइड स्कैटर फाइल डालेंगे, है ना? ऊपर वाली। इसको उसी को पकड़ो, खाली इसी वही फाइल को अच्छे से पकड़ लो, हाँ, और वो ब्रैकेट में डाल लो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम इसमें खाली फ्लैश फाइल भी डाले तब भी आपको ये 8 इमएमसी सपोर्ट बताता है चेंज के लिए एक्स्ट्रा, ये भी बता सकता है। उसके बाद अब फ्लैशिंग करना है तो आपको यहाँ पे रिपार्टीशन पे टिक लगाना होगा। अब राइट के ऊपर क्लिक करना है, राइट करिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये फ्लैशिंग स्टार्ट होने के बाद पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है? लास्ट रिमूव एफआरपी। रिमूव एफआरपी, वेरी गुड। क्या करना है? क्योंकि 512 का डंप जब हमने रीड किए थे तो उसके अंदर एफआरपी लॉक आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो लास्ट में हमें ये लास्ट में प्रोसेस, हर इसमें प्रोसेस करना है, चाहे वो हेल्थ का हो या कोई 90% रिपेयर में, या फिर कोई भी फ्लैशिंग कर रहे हो आप, अनलॉकिंग कर रहे हो, तो इसके अंदर आपका एफआरपी रिमूव करना मस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 मिनट का या 10 मिनट का लग सकता है यहाँ पे फ्लैशिंग में। थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डन आ गया। एक बार आइडेंटिफाई करिए, ठीक है? यहाँ पे क्या आ गया? सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन अब शो कर रहा है ना, फ्लैशिंग कर ली है। अब इसका एफआरपी लॉक रिमूव करना है। अब इसके लिए कहाँ जाएंगे आप सभी बताइए? यूजर एरिया पार्ट में। उसके बाद स्पेशल टास्क, क्लियर? एफआरपी लॉक, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखेंगे एफआरपी लॉक है या नहीं है। तो यहाँ लिख के क्या आ रहा है? डिवाइस इज नॉट एफआरपी लॉक। इसका मतलब क्या था इसमें? नहीं है, खत्म, यही खत्म हो गया। अब इसका काम हो गया, एक बार आइडेंटिफाई करो और इमिंगसी निकाल के लगाओ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया ना भाई। यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है कि आपको आईसी खराब, मैंने आपको पूरा आईसी बता दिया समझाने के लिए कि कहीं पे क्या प्रॉब्लम है, आपको समझ में आएगा। तो सारा कुछ सही है क्या? सीआईडी नंबर, सीएसडी नंबर, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम,
सब सही है ना? यस सर। चलो अब एमएनसी निकालो और यहाँ पे हम बोर्ड में लगाएंगे, उसके बाद फोन को ऑन करके आखिर वही दिखाया सर जो कितने जीबी का है। हाँ 58 GB का इसी वो इनके पीड़ा बताएगा। ठीक है तो यहाँ पे हम एमएनसी लगा लेंगे बोर्ड में। अंदर देखिए ब्लर दिख रहा है। तो फिक्स अप थोड़ा डाउन करो। पहले अच्छे से फिट करो बोर्ड में। थोड़ा सा चीज अच्छे से ट्विस्ट करिए एक बार। ठीक है यहाँ पे आईसी एमएमसी लगा लग गई है अच्छे से। थोड़ा सा बोर्ड को कूल होने देंगे। ठीक है तो यहाँ पे एक बार फिक्स करके चेक करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, एक बार देखते हैं। ठीक है अंदर का राम है राम राम नीचे सार बैठते ना सर बैठते। एक बार चार्जिंग लगाइए, बैटरी इसका पूरा डाउन था। एक बार उधर चार्जिंग लगा के देखिए। नॉर्मल केबल है एक बार बैटरी पीछे से निकाल के फिर से लगाइए। बैटरी फुल डाउन है उसकी।
तो लगा, हाँ स्टार्ट करो। तो जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग लगा के देखते हैं कितना एम्पर ले रहा है, 1.1। और यहाँ पे देखो चार्जिंग का लोगो आ गया है, एक बार देखिए, बताओ एक बार चार्जिंग का लोगो। तो जैसे कि इनके लिए एक बार क्लैप्स करिए भाई। फोन चार्जिंग का लोगो आ चुका है और थोड़ा सा बैटरी डाउन है, इसकी वजह से चार्जिंग का लोगो बता रहा है। एक बार पावर की दबा के देखिए ऑन हो रहा है क्या। बैटरी तो फुल डाउन है, एक चार्जिंग का तो लोगो आ गया यहाँ पे, ठीक है। 0% आप देख सकते हैं यहाँ पे, 0% में फोन बूट नहीं होता, थोड़ा 1% आएगा तो ये चालू हो सकता है। एक हाँ, एक बार पावर की दबा के रखिए, देखो ऑन हो रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लोगो आ गया देख सकते हैं। तो ये पहले प्रॉब्लम क्या था इसके अंदर, ये फर्स्ट लोगो पे स्टक था, है ना। देखते हैं सेकंड लोगो पे जाता है या नहीं जाता, इधर बताइए कैमरे में भी, ठीक है दोनों पे। अभी ये फर्स्ट लोगो पे स्टक है, देखते हैं हमारा सेकंड लोगो पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो जैसे कि सेकंड लोगो आ चुका है यहाँ पे, मतलब अभी ये फोन क्या हो रहा है हमारा, पहले क्या कंडीशन में था ये डेट, मतलब एक हिसाब से फर्स्ट लोगो पे ही स्टक था ना, सेकंड लोगो पे नहीं जा रहा था, क्या रीजन निकला इसका पीछे, हेल्थ की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो ये अब बताइए ये हेल्थ रिपेयर कौन कौन कर सकता है इस तरह से, सभी कर सकते हैं। ऐसा कुछ है कि टेक्नो का अलग प्रोसेस है, एमआई का प्रोसेस अलग है, बाकी सबका अलग है, किसी में ऐसा अलग अलग प्रोसेस है? डम फाइल रीड करने का सभी में एक ही प्रोसेस है, रीड एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ऑन होने देंगे, पूरा फोन ऑन होने तक वेट करते हैं, और इसमें बैटरी भी वैसे भी डाउन है, तो जैसे ऑन हो जाएगा उसके बाद हमारा काम खत्म, ठीक है। तो जैसे कि आप ये आपने खुद ही प्रोग्रामिंग किए, फ्लैशिंग वगैरह किए, डम फाइल किए, तो अभी कॉन्फिडेंस है रिपेयर करने के लिए, कर सकते हैं। तो ये फ्रेशर्स थे आप, पहले फर्स्ट टाइम किए सब, इसके पहले आता था कभी? नहीं आता, नहीं आता। अभी कर सकते कोई भी दिए तो बिंदास, चलो ठीक है। यही तो कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पे सीखने मिलता है कि हम खुद से यहाँ रिपेयर जब करते हैं तो वही चीज। हाँ तो ये फर्स्ट टाइम जो है तो टाइम लेता है ना भाई, फ्लैशिंग हुआ या कुछ हुआ या प्रोग्रामिंग, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है ये ऑन होने में टाइम लेता है, एक 5 to 8 minutes का कुछ टाइम लेगा, ठीक है। या अगर आप ऐसे ही चालू में वापस बैटरी निकाल के डालते हैं तो थोड़ा सा जल्दी चालू हो जाता है, लेकिन अभी ये बैटरी डाउन है तो इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, ऑन होने देंगे। चार्जिंग एम्पियर ले रहा है ना, ठीक है। बताइए एक बार स्क्रीन, एक बार देखो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन, ठीक है। FRP भी यहाँ पे नहीं लगा होगा, देखो FRP भी इसमें नहीं लगा हुआ है, FRP भी यहाँ पे बाईपास हो गया, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट करिए आ गया, इंडिया ले लो कंट्री। हाँ इस पर क्लिक करिए। ठीक है, ये हमारा फोन पूरी तरह से वेलकम स्क्रीन पे आ गया है। एक बार सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप। ठीक है।